हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मेजर प्रोजेक्ट्स एंड माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले यार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ट्रू इंजीनियरिंग के अंदर टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के टॉपिक डिस्कस किए थे एंड वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है ना। तो रिसेंटली अब मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आप अब जो रिसेंट बच्चे हैं या फिर अब जिनके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें माइनर प्रोजेक्ट्स और मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो वीडियो में है अच्छी खासी चीज़, बट इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपके जो प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें। फर्स्ट वन इज़ योर माइनर प्रोजेक्ट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द मेजर प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये प्रोजेक्ट्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, या दूसरी चीज़ आपके एंड्रॉयड या ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड्रॉयड हो iOS हो, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब आपको पहले सबसे पहले ये चॉइस करना है कि आपका क्या डोमेन है, मतलब किस चीज़ में आप वर्क करना चाह रहे हो, एज अ वेबसाइट डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर, ठीक है। बात एक ही है, लिटिल बिट डिफरेंसेज हैं। आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो आइडिया में ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। देन दूसरी चीज़ डिफर ये कर सकती है कि आपके जो मतलब आप जिससे बना रहे हो ना, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इट में पॉसिबल कि पाइथन लग रही हो, है ना, या तो आपका पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट लग रही हो, या कोर जावा से बना रहे हो, या कई अदर आप लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो। तो ये आप लोग अपनी टेक्नोलॉजी वाइज भी देख लेना, जिसने जो पढ़ रखी है वो सब उसके लिए अलग अलग हो सकती हैं। बट वाइस मतलब एट द एंड अगर बात करी जाए कि आपका जो लास्ट का जो आउटपुट होने वाला है प्रोजेक्ट्स का आइडिया के बारे में, वो तब भी सेम ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है टेक्नोलॉजी किसी और की क्या हो, कि कोई मन स्टैक से बना रहा हो, कोई किसी और से बना रहा हो, कोई पाइथन से बना रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ लेने आए अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब माइनर प्रोजेक्ट्स आपके बेसिक हो सकते हैं जो कि एकदम बच्चों वाले हो सकते हैं, बट अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं तब भी यही कहूँगा, अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर कोई भी चीज़ कर रहा है तो आप टोटल रिस्पॉन्सिव, अगर माइनर प्रोजेक्ट्स की बात करें, भले बैकएंड इंक्लूड ना करें, अगर आपको फ्रंट एंड ही बनाना है तो मोस्टली आप ऐसा ऐप या ऐसी वेबसाइट बनाएं जो टोटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, ठीक है। ठीक, तो रिस्पॉन्सिव आप बना सकते हो पर्सनल पोर्टफोलियो, आप बना सकते हो टू डू लिस्ट। माना कि टू डू लिस्ट थोड़ी सी पुराना आइटम है या फिर पुराना प्रोजेक्ट है, सो आप इसको थोड़ा बहुत और इन्हेंस कर सकते हो, इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। ओके, सो टू डू लिस्ट सभी ने जान रखा है कैसे होती है, बट अगर आप टू डू लिस्ट में ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो कि यार एक पर्सनल बंदा हो, यूज़र हो, जो एकदम ऑथराइज पर्सन हो, वही उस लिस्ट के अंदर इनरोल करेगा, देन वो अपनी चेंजेस कर सकता है। तो इस तरीके से कोई प्रोडक्टिव या फिर कुछ नया या इनिशिएटिव कुछ आइडियाज़ वगैरह आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो बिल्कुल कोई बिना प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। एंड दूसरा यार, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करने के लिए, या फिर वेदर ऐप का, ठीक है, तो ये सब आ सकते हैं आपके माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक और चीज़, आप UI बना सकते हो टोटल क्लोनिंग करके किसी भी वेबसाइट का, जैसे Amazon की वेबसाइट है उसका UI क्लोन कर लिया, या फिर Netflix का क्लोन बना लिया। तो ये क्लोन बनाना जो है ना, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहा है, क्योंकि आप दुनिया भर जगह देखोगे तो आपको एक फिक्स्ड मिलेगा ही मिलेगा। कोई Spotify का क्लोन बना रहा है, कोई Instagram का क्लोन बना रहा है, कोई किसी चीज़ का क्लोन, कोई दुनिया भर के क्लोन है, Amazon का, कोई Netflix का। तो ये क्लोनिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंपल हो चुके हैं। आई नो कि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको लगने वाला है डिज़ाइनिंग से लेके बैकएंड संभालने तक का, बट तब भी अगर आप सिर्फ UI बना रहे हो, मतलब फ्रंट एंड का पार्ट बना रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि क्लोन बनाने से बेटर वे है कि आप भले टू डू लिस्ट बना लें, आप चाहे पर्सनल पोर्टफोलियो बना लें। पर्सनल पोर्टफोलियो इसीलिए बनाना ज़रूरी, मतलब इन बाकी चीज़ों से क्लोन बनाने का कोई रीज़न बनता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जो आपने मेंशन किया हो रेज्यूमे के अंदर। अगर आपने क्लोन बना लिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि यार आपने नया क्या किया, ऑलरेडी उसका तो प्रोडक्ट है ना मार्केट में अवेलेबल है। जैसे किसी ने स्पॉटिफाई का क्लोन बना लिया फॉर एग्जांपल, अब यार ऑलरेडी स्पॉटिफाई तो अवेलेबल है ना, आपने उसमें नया क्या किया, कुछ नहीं, जस्ट क्लोन बना लिया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें थोड़ी सी नई चीज़ें हों, जिसमें थोड़ा सा आपका पर्सनल दिखे कि आपने थोड़ा सा सोचा है, ठीक है। माना कि यार प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो धीरे धीरे सीख के ही बनाओगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, कुछ कॉपी कोड करोगे, कहीं से पेस्ट करोगे, कहीं से कुछ उचकाओगे, कहीं से करोगे, ठीक है, चलता है भाई।
बट एकदम डिट्टो उछका दिया फिर वो बात अलग हो जाती है। तो इसीलिए कहूँगा मैं, हाईली रिकमेंडेशन यही है कि क्लोन बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक ऐसा क्लोन बनेगा जो टोटल यूआई पे डिपेंडेंट है, टोटल फ्रंट एंड पे है, तो भाई क्या ही पूछेगा उससे कोई बंदा। क्रॉस क्वेश्चंस करोगे अटक जाओगे आप लोग, ठीक है? कोई अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेगा तो नहीं आंसर दे पाओगे। ओके ओके, तो ये चीज़ है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। आपको जब भी आप प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। सो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके अलावा है ना, जो नए टॉपिक्स क्रिएट हो सकते हैं वो आप खुद से सोच सोच के ML बना लो, उसके अंदर ML लगा लो थोड़ी सी, ठीक है? थोड़ा सा नया कर सको, ठीक है? तो ये मेन आइडिया है। ओके, तो मैंने जो बेसिक बता दिया भाई, आप क्या क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ। आप भाई बेसिक देखो, एक तो लिस्ट वगैरह या टू डू लिस्ट बना सकते हो थोड़ा सा, बट उसमें रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हल्का सा बैकेंड थोड़ा सा लगेगा ऑथेंटिकेशन वाला, तो वो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके सीख सकते हो एज अ बिगनर लेवल के लिए। आप वो कर लो टू डू लिस्ट जैसा। दूसरा, आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हो, ये माइनर प्रोजेक्ट्स के अंदर है। तीसरा, माइनर प्रोजेक्ट का आइडिया जो मैंने दिया आप लोग को कि यार एक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी वगैरह है ना प्रिडिक्ट करना या फिर मॉनिटर करना। चौथी चीज़ यही है भाई, जो क्लोन वगैरह है अगर उसका सिर्फ UI बना रहे हो, मतलब फ्रंट एंड बना रहे हो, तो वो मत बनाओ, ठीक है? तो गंदा ही साउंड करेगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा टोटल मत बनाओ, बट हाँ समझदार हुआ। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आप इमेज रिकॉग्नाइजेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना लो, ठीक है? अच्छा है वो, प्रैक्टिकल है, बट उसमें भी एक आध चीज़ एड ऑन कर लेना। तो ये जो टोटल मैंने समराइज़ किया, ये टोटल किसके लिए भाई, माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब अगर आप मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मेजर प्रोजेक्ट भाई ई कॉमर्स बहुत ही स्टैंडर्ड है, हर कोई बनाता है, बट है उसमें काफ़ी दिमाग ख़राब करने वाला सिस्टम, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है ई कॉमर्स में। आपको बहुत सारे राउट्स मैनेज करने पड़ेंगे, देन बहुत सारे ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे, डेटाबेस को ख़तरनाक तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? सो बना सकते हो ई कॉमर्स एज अ मेजर प्रोजेक्ट तो बढ़िया ही है, बट उसका नाम या फिर उसका जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स डायरेक्टली ना रख के कुछ उससे रिलेटेड ही रखना, ठीक है? क्योंकि ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा पुराना साउंड होता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़, मेजर प्रोजेक्ट के अंदर आप हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस बना सकते हो, ठीक है? जो आपका मतलब हेल्थ वगैरह, जैसे हार्ट रेट वगैरह जो आपके आजकल स्मार्ट वॉचेस में आती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है? तो ये सब मॉनिटर कर सकें, बहुत ही अच्छा है ना, ठीक है? तो इसको आप बना सकते हो, बहुत ही मज़ेदार रहेगा ये। देन उसके अलावा आप मेजर प्रोजेक्ट में चैट GPT जो कि आजकल बहुत चल रहा है, उसका टोटल क्लोन बना सकते हो, बहुत ही खतरनाक आइडिया है, ठीक है? चैट GPT का कंप्लीट क्लोन मतलब कि यूज़र अगर आ रहा है, अगर उसको किसी से पूछना है, मतलब चैट GPT की API यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप API यूज़ करके सब चीज़ बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेजर प्रोजेक्ट में कंप्लीट बैकएंड लगाना, मज़ा जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं आप 101% क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो मैंने मेजर बताया, जिसमें अगर आप डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हो प्रॉपर वर्किंग के साथ, तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो, एंड अगर आपको कंप्लीट डेटाबेस एंड कंप्लीट है ना बैकहेंड की नॉलेज है, विद फुल फ्रंट एंड फुल स्टैक कंप्लीट नॉलेज है, तो डेफिनेटली भाई आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत ही खतरू होने वाला है। एंड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोजेक्ट या फिर स्किल्स वगैरह हैं वो टोटली भर जाएंगी, तो आपका कभी भी रेज्यूमे में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी यार वीडियोज़ आने वाले टाइम पर ट्रू इंजीनियर के अंदर आपको मिलेंगी। एंड जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर एक बच्चे को इसी पर फोकस करना है, ये जस्ट एक आइडिया है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी कहीं से भी कुछ भी फॉलो कर रहे हो, किसी का कोर्स पढ़ रहे हो, कहीं टीचर से पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप वही प्रोजेक्ट बना लो थोड़ा बहुत एज अ स्टार्टिंग में, बट उसमें कुछ एड ऑन करो। जैसे आपके टीचर्स फॉर एग्जांपल एक नोटपैड बनवा रहे हैं या फिर कुछ भी करवा रहे हैं, क्लोन बनवा रहे हैं ना, क्लोन बनाना गलत चीज़ नहीं है, बट उसमें एक आध फंक्शनैलिटी ऐड कर दो एक्स्ट्रा। जैसे अब कोई बंदा सेम डिट्टो अमेज़ॉन का क्लोन बना दे, ठीक है, एज अ फ्रंट एंड, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और एक्स्ट्रा एड ऑन करनी चाहिए। अगर कंप्लीट फुल स्टैक भी है क्लोन बनाना, ओके है, बट उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा करो, है ना,
तो जो कि आपका लगे कि हाँ आपने 1% उसमें ब्रेन का भी यूज़ किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एंड बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प ले सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो, उसके अलावा पाइथन से कर सकते हो, जावा कोर है ना। सो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यार, बहुत 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 सारी है ना, ये तो मैंने गिनती की 2-3 ही बताई हैं। तो आप लोग इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड कंप्लीट जो आइडिया वो मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो डेफिनेटली यार पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के इस वीडियो के नीचे।